हेलो फ्रेंड्स एंड मैडम, इस वीडियो में हम लोग इंडस्ट्रियल फार्मेसी के टेबलेट सेक्शन के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक टेबलेट कोटिंग के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ टेबलेट कोटिंग्स के बारे में बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे शुगर कोटिंग और फिल्म कोटिंग के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर महंताप सिंह, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टेबलेट कोटिंग क्या होती है। हाँ, तो टेबलेट कोटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कवरिंग over a tablet which is used to mask the taste, make it easier to swallow, protect the active medication inside or prolong the action। तो ये जो हमारी टेबलेट कोटिंग की प्रोसेस है, इसमें जो हमारी कंप्रेस्ड टेबलेट है उनको हम कवर करते हैं। क्यों करते हैं? उसके टेस्ट को मास्क करने के लिए, मेक इट ईजियर टू स्वालो, उसको आसान करने के लिए, वो निकलने में आसान करने के लिए। बाहरी इन्वायरमेंट से हमारी वो टेबलेट के अंदर जो सब्सटेंस है, जो इंग्रेडिएंट है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और हमारी टेबलेट के एक्शन को प्रोलॉन्ग करने के लिए, लंबे समय तक के लिए बढ़ाने के लिए हम कोटिंग की प्रोसेस को करते हैं। अगर हम कोटेड टेबलेट की डेफिनेशन के बारे में बात करें, तो कोटेड टेबलेट्स आर डिफाइंड एज वो टेबलेट कवर्ड विथ वन आर मोर लेयर। तो जो हमारी वो कोटेड टेबलेट है, उसमें जो हमारी कोर टेबलेट है, उसको हम कवर करते हैं एक या एक से अधिक लेयर्स में ऑफ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस सच एज वो नेचुरल आर सिंथेटिक रेजिन से हम उसको कवर कर सकते हैं, गम, उसके बाद है शुगर, प्लास्टिसाइजर, हम वो कलरिंग आर फ्लेवरिंग मटेरियल से हम अपने टेबलेट को कोट करते हैं। अगर हम वो टेबलेट प्रोडक्शन साइकिल की बात करें, तो जो हमारा कोटिंग है वो टेबलेट प्रोडक्शन साइकिल का एक लास्ट स्टेप कहलाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टेबलेट कोटिंग के बारे में। तो अगर इसके ऑब्जेक्टिव्स को हम देखें, तो जब भी हम अपनी टेबलेट के ऊपर कोटिंग अप्लाई करते हैं, तो वो हमारे टेबलेट की कॉस्ट को इनक्रीज करती है, कॉस्ट को बढ़ाती है। तो जब भी हम इस चीज़ का डिसीजन लेते हैं कि हमें अपनी वो टेबलेट को कोट करना है, तो उसके लिए हमारे पास सफिशियंट ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है, टू मास्क टेस्ट ऑर्डर और कलर ऑफ द टेबलेट, अपने टेबलेट के टेस्ट को, उसके स्मेल को और उसके कलर को मास्क करने के लिए जो है कोटिंग को यूज कर सकते हैं। हाँ, टू प्रोवाइड फिजिकल एंड केमिकल प्रोटेक्शन ऑफ द ड्रग, अपनी जो ड्रग है उसको फिजिकल और केमिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम कोटिंग को कर सकते हैं। टू कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग फ्रॉम द टेबलेट, अपने वो टेबलेट के अंदर से ड्रग के रिलीज को कंट्रोल करने के लिए हम कोटिंग को कर सकते हैं। एंड टू प्रोटेक्ट द ड्रग फ्रॉम द गैस्ट्रिक इन्वायरमेंट ऑफ द स्टमक विद एंड एसिड रेसिस्टेंट इंटरिक कोटिंग। तो एसिड रेसिस्टेंट इंटरिक कोटिंग करके अपनी जो ड्रग है उसको गैस्ट्रिक जो हमारा इन्वायरमेंट है स्टमक के अंदर, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम कोटिंग की प्रोसेस को करते हैं। इसका जो अगला ऑब्जेक्टिव है, टू इनकॉर्पोरेट अनदर ड्रग और फार्मूला एडजुवेंट इन द कोटिंग टू अवॉइड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी और टू प्रोवाइड सीक्वेंशियल ड्रग रिलीज। तो इसमें हम कोटिंग के अंदर कोई और फार्मूला यूज करके, कोई और ड्रग यूज करके केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, और हमारी ड्रग के रिलीज के सीक्वेंस को भी चेंज करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड टू इम्प्रूव द फार्मास्यूटिकल एलिगेंस बाई यूज ऑफ स्पेशल कलर और कंट्रास्टिंग प्रिंटिंग। तो कंट्रास्टिंग प्रिंटिंग या स्पेशल कलर को यूज करके हम अपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के एलिगेंस को, उसकी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कोटिंग्स के बारे में। तो पहला है हमारा जो है शुगर कोटिंग, दूसरा है फिल्म कोटिंग, इंट्रिक कोटिंग एंड कंट्रोल्ड रिलीज कोटिंग। तो एक एक करके इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग केवल दो कोटिंग्स के बारे में बात करेंगे। पहली है हमारी द शुगर कोटिंग एंड सेकेंड वन इज द फिल्म कोटिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शुगर कोटिंग के बारे में। तो जो हमारी प्रोसेस होती है शुगर कोटिंग की, वो काफ़ी सारे स्टेप्स में होती है। जो हमारा पहला स्टेप है ये है सीलिंग और वाटर प्रूफिंग, हम इसको बोलते हैं। जो दूसरा स्टेप है ये हमारा सब कोटिंग, थर्ड इज सीरपिंग और स्मूथिंग, फोर्थ वन इज फिनिशिंग एंड लास्ट वन इज पॉलिशिंग। तो एक एक करके इनके बारे में हम लोग
बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट द सीलिंग वाटर प्रूफिंग, और इसको हम सील कोटिंग भी कहते हैं। तो इसको हम क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट मॉइस्चर जो है पेनेट्रेशन इनटू द टेबलेट, हमारे वो टेबलेट कोर के अंदर मॉइस्चर पेनेट्रेशन को रोकने के लिए हम सील कोटिंग उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अगर हम सील कोटिंग अप्लाई नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारी वो टेबलेट है वो मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और वो सॉफ्ट हो जाएगी। अगर हमारी वो टेबलेट सॉफ्ट हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो वो डिसइंटीग्रेशन एंड इट अफेक्ट द फिजिकल केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये हमारे प्रोडक्ट की के डिसइंटीग्रेशन को या उसकी फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकती है। तो सीलिंग की प्रोसेस को करने के लिए हम काफ़ी सारे मटेरियल यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं एक मटेरियल, इसको हम कहते हैं सीलेंट, इट इज एन इफेक्टिव सीलेंट, ये काफ़ी इफेक्टिव सीलेंट होता है। बट अब वो टेबलेट डिसइंटीग्रेशन एंड वो डिसोल्यूशन टाइम इंक्रीज ऑन एजिंग। तो अगर हम अधिक टाइम के लिए अपने वो टेबलेट को रखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है जो है उसका वो डिसइंटीग्रेशन और वो डिसोल्यूशन टाइम जो है काफ़ी इंक्रीज हो जाता है सीलेक की वजह से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा सीलेक है ये इसके अंदर पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती है, वो जिसके कारण कि अगर हम इसको ज़्यादा टाइम तक के लिए रखते हैं तो ये उसके डिसोल्यूशन और डिसइंटीग्रेशन टाइम को इंक्रीज कर देता है। जो हमारा अगला इंग्रेडिएंट है ये हमारा वो जीन इज एन एल्कोहल सॉल्युबल प्रोटीन डेरिवेटिव, ये एक एल्कोहल सॉल्युबल प्रोटीन डेरिवेटिव है। ये फॉर्म करता है वो कॉर्न दैट हैज आल्सो यूज्ड एज एन इफेक्टिव सीलेंट, ये एक काफ़ी इफेक्टिव सीलेंट की तरह यूज होता है। अगला स्टेप हमारा जो है ये है सब कोटिंग, इसमें हम क्या करते हैं, सब कोटिंग इज अप्लाइड टू राउंड द एजेज, एजेज को राउंड करने के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं एंड बिल्ड अप द टेबलेट साइज, और वो टेबलेट के बढ़ाने के लिए हम जो है सब कोटिंग की प्रोसेस को यूज करते हैं। हाँ, द सब कोटिंग स्टेप कंसिस्ट ऑफ अप्लाइंग ए स्टिकी बाइंडर सोल्यूशन टू द टेबलेट, एक स्टिकी बाइंडर सोल्यूशन को हम अपने टेबलेट के ऊपर अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सब कोटिंग पाउडर की उसके ऊपर डस्टिंग करते हैं और उसको ड्राई करते हैं। तो ये प्रोसेस को जब हम करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी टेबलेट है उसका वेट 50-100% तक इंक्रीज हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम तब तक करते रहते हैं वो जब तक कि हमारी टेबलेट के जो इज है वो प्रॉपरली कवर्ड नहीं हो जाते, या हमें जो डिजायर्ड थिकनेस चाहिए वो अचीव नहीं हो जाती, तब तक हम जो है सब कोटिंग की प्रोसेस को करते रहते हैं। और जो हमारा अगला स्टेप है दैट इज कॉल्ड द सिरपिंग एंड फिनिशिंग, इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे सब कोटिंग की प्रोसेस में जो इनपरफेक्शंस हमारी टेबलेट्स में आ जाते हैं उसको कवर करने के लिए और उसको फिल करने के लिए हम इस प्रोसेस को जो करते हैं। और इस प्रोसेस से क्या होता है कि जो भी हमें वो डिज़ायर्ड वो कलर हमारी वो टेबलेट का चाहिए होता है और उसमें जो इम्पैक्ट चाहिए होता है वो हमें अचीव होता है। ये स्टेप जो है वो करता है क्योंकि यहाँ पे ये जो है हमारे फाइनल प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करता है, उसकी अपीयरेंस के साथ में इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पे हम जो है यूज करते हैं वो डाइल्यूट कलरेंट को हम यूज करते हैं इस स्टेप में यूनिफॉर्म कलरिंग के लिए। और जो हमारा लास्ट स्टेप है ये है पॉलिशिंग, इसमें हम अपनी टेबलेट को पॉलिश करते हैं। तो इसमें क्या होता है, द डिजायर्ड लस्टर इज ऑब्टेन्ड बाई पॉलिशिंग। तो अगर हम बात करते हैं लस्टर तो इसको हिंदी में कहते हैं चमक। तो जो हमें हमारी टेबलेट के ऊपर डिज़ायर्ड लस्टर चाहिए होता है वो पॉलिशिंग के थ्रू हमें अचीव होता है। इस प्रोसेस को हम एक स्टैंडर्ड कोटिंग पैन के अंदर करते हैं और इसमें हम अप्लाई करते हैं, इसके अंदर एप्लीकेशन होता है ऑफ द अल्कार्नोबा वैक्स येलो, बीज वैक्स वाइट, जो पैराफिन वैक्स आर वार्म सोल्यूशन ऑफ वैक्सेस इन नैप्थॉल आर सुइटेबल वोलेटाइल सॉल्वेंट के थ्रू हम इसके ऊपर हम अपनी टेबलेट के ऊपर पॉलिशिंग की प्रोसेस को करते हैं, जिससे कि हमें डिजायर्ड लस्टर
प्राप्त हो सके। अब हम लोग इसके एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि हम शुगर कोटिंग क्यों करते हैं। इट प्रिवेंट अनप्लीजेंट ऑर्डर, ये एक अनप्लीजेंट जो है ऑर्डर को प्रिवेंट करता है, उसको मास्क करता है। ये हमारे वो टेबलेट को एक स्वीट टेस्ट प्रोवाइड करता है और इससे हमें हाईली एलिगेंट एंड ग्लॉस टेबलेट ऑप्टेंड होती है, एक देखने में अच्छी और जो है आप कह सकते हैं चमकदार टेबलेट हमें इस प्रोसेस से अचीव होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फिल्म कोटिंग के बारे में। तो जो फिल्म कोटिंग है मोर जो है फेवर्ड ओवर शुगर कोट, अधिकतर यूज की जाती है अगर हम कंपेयर करते हैं इसको जो है शुगर कोटिंग से, उससे अच्छी होती है। फिल्म कोटिंग इज डिपोजिशन ऑफ ए थिन फिल्म ऑफ पॉलीमर सराउंडिंग द टेबलेट कोर्स। तो जो हमारी वो टेबलेट कोर्स है, कंप्लीट वो टेबलेट है, उसको एक थिन फिल्म इसको उसके ऊपर हम फॉर्म करते हैं जो है पॉलीमर की, और उसको हम उसके ऊपर वो डिपॉजिट करते हैं। द फिल्म फॉर्म इज वेरी थिन, जो फिल्म फॉर्म होती है वो काफ़ी पतली होती है, एंड इट गिव द टेबलेट ए लेस वेट। हमारी वो टेबलेट को काफ़ी जो है वो कम वेट ये प्रोवाइड करती है और स्मॉल साइज प्रोवाइड करती है। अगर हम कंपेयर करते हैं इसको प्रीवियस वन जो था हमारा वो शुगर कोटिंग, तो वहाँ पे एक काफ़ी मोटी फिल्म फॉर्म होती है, बट यहाँ पे एक काफ़ी थिन फिल्म फॉर्म होती है, वो जिसके कारण कि हमारी वो जो टेबलेट है उसमें वो ज़्यादा वेट इम्पार्ट नहीं करती है, उसको हम लोग कम वेट प्रोवाइड करती है और उसके जो साइज को भी ज़्यादा चेंज नहीं करती है, स्मॉल चेंज ही उसमें होता है। द पॉलीमर इज सॉल्युबलाइज्ड इनटू द सॉल्वेंट, तो इसको हम कैसे करते हैं, जो भी हमारा पॉलीमर है उसको हम सॉल्वेंट में सॉल्युबलाइज कर लेते हैं। अदर एडिटिव्स लाइक प्लास्टिसाइजर एंड द पिगमेंट आर एडेड, उसमें अगर कोई प्लास्टिसाइजर हम ऐड कर रहे हैं तो उसको, और अगर कोई कलर ऐड कर रहे हैं तो उसको हम उसमें ऐड कर देते हैं। जो हमारा वो रिजल्टिंग सोल्यूशन है उसको हम स्प्रे करते हैं ऑन द टेबलेट बेड एंड ड्राइंग प्रोसेस कैरीड आउट, तो हम उसको स्प्रे करते जाते हैं और ड्राइंग की प्रोसेस होती जाती है। तो इस प्रोसेस से वो गिविंग द डिपोजिशन ऑफ कोटिंग मटेरियल अराउंड द ईच टेबलेट, तो वो जिसके कारण कि जो हमारा कोटिंग मटेरियल है वो हर टेबलेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है और हमारी वो टेबलेट प्रॉपरली कोटेड हो जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ फिल्म कोटिंग मटेरियल। तो फिल्म कोटिंग के लिए जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी आइडियल प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो पहला है द सॉल्युबिलिटी इन सॉल्वेंट ऑफ च्वाइस फॉर कोटिंग प्रिपरेशन, तो जो हम सॉल्वेंट हमारी च्वाइस का है उसके अंदर जो हमारा मटेरियल है कोटिंग मटेरियल वो प्रॉपरली सॉल्युबल होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर इंटेंडेड यूज, तो जो हमारी कोटिंग है उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो हमारे इंटेंडेड यूज के अनुसार होनी चाहिए, फ्री वाटर सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए और पीएच डिपेंडेंट सॉल्युबिलिटी इंट्री कोटिंग केस में उसके अंदर जो होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी हमारे कोटिंग मटेरियल के अंदर होनी चाहिए। जो अगली प्रॉपर्टी है यह है वो कैपेसिटी टू प्रोड्यूस एंड एलिगेंट प्रोडक्ट, एक सुंदर प्रोडक्ट प्रिपेयर करने की कैपेसिटी उसके अंदर होनी चाहिए। स्टेबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ हीट लाइट मॉइस्चर एयर एंड सब्सटेंस बीइंग कोटेड, तो जो भी हमारा सब्सटेंस जिसको हमें कोट करना है उससे हीट से लाइट से मॉइस्चर से एयर से स्टेबिलिटी उस कंपाउंड की होनी चाहिए जिसको हम कोटिंग करने वाले हैं। एंड इट इज इसेंशली नो कलर टेस्ट आर ऑर्डर, तो ये जो है हमारी हमारे प्रोडक्ट में कोई कलर टेस्ट या ऑर्डर अपनी ओर से उसमें प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। अब अगली जो इसकी प्रॉपर्टी है कंपैटिबिलिटी विथ कॉमन कोटिंग सोल्यूशन एंड एडिटिव्स, तो जो हमारे कॉमन कोटिंग सोल्यूशंस हैं और एडिटिव्स हैं उनके साथ में वो कंपैटिबल होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए और उसका अपना खुद का कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, एंड इट इज़ वो रेसिस्टेंस टू क्रैकिंग, इसके अंदर अगर आप उसको अधिक टाइम तक रख रहे हैं तो क्रैकिंग की प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, स्टेबल फिल्म फॉर्म करनी चाहिए। तो हम वो कौन कौन से मटेरियल हम यूज़ करते हैं फिल्म को फॉर्म करने के लिए,
तो जो हमारा पहला है ये है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल हाइड्रोसेलुलोज, यूएसपी अक्सर यूज होता है, मेथिल हाइड्रोक्सी एथाइल हाइड्रोसेलुलोज, एथाइल सेलुलोज हाइड्रोक्सी प्रोपाइल हाइड्रोसेलुलोज, पोविडोन यूएसपी, सोडियम कार्बोक्सी मेथाइल हाइड्रोसेलुलोज यूएसपी, पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल को भी हम यूज करते हैं और एक्राइलेट पॉलीमर्स भी यूज किए जाते हैं फिल्म को फॉर्म करने के लिए, फिल्म कोटिंग की प्रोसेस में हमारी टेबलेट में। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, टेबलेट कोटिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।